ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। बदलत जमाने में जहाँ कुछ बच्चा अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठावे से कतरा था, तो वही एक कलयुग में एक श्रवण कुमार घलाए सामने आए हैं, जो बिल्कुल कोनो असली श्रवण कुमार की तरह अपने माँ का तीर्थ दर्शन करवाए रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि युवक अपने माता के प्रति ये कर्तव्य का पूरा करे खातिर 65,000 रुपया की नौकरी छोड़ के माँ का तीर्थ दर्शन करावे के बीड़ा उठाए ली नहीं। कर्नाटक से शुरू होने वाली यह यात्रा बिहार के बक्सर तक पहुँच चुकी है, जहाँ युवक के द्वारा अपने पिता के 24 साल पुराने स्कूटी के जरिए अपने माँ का तीर्थ दर्शन करावे खातिर हजारों किलोमीटर की यात्रा कीन गए। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूजा अपना पंचे सभी जनिन का प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि कलयुग माँ अपने माता पिता के प्रति सेवा के या मिसाल युवक के द्वारा पेश की गई है, जहाँ कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले कृष्णा दी अपने माँ का तीर्थ दर्शन करवावत बक्सर तक पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा अपने माँ का भारत दर्शन के साथ तीर्थ दर्शन करवावे के बीड़ा उठावागा। पिता के 24 साल पुराने स्कूटर में माँ का बिठाई के करीब 68,363 किलोमीटर की यात्रा पूरी कई के अब अपने माँ के साथ युवक बक्सर पहुँच चुके हैं। कृष्णा डे के द्वारा 16 जनवरी 2018 का यह यात्रा शुरू की गई रही और तब से बिना रुके अनवरत यह यात्रा जारी है। कृष्णा डी के मुताबिक माता के सेवा खातिर कई एक साल पहले उनके द्वारा इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी गई रही। फिलहाल बक्सर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास कृष्णा डी अपने माता के साथ रुके हैं, जहां प्रतिदिन 150 किलोमीटर के सफर स्कूटी के जरिए तय करा था। उनके माता के प्रति भक्ति और समर्पण की यह कहानी सुन के लोग अब उनका कलयुग के श्रवण कुमार के संज्ञा दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब पिता की मौत 2015 में हो चुकी है और मां के इच्छा का पूरी करे खातिर अब 5 साल से कृष्णा जी भारत के विभिन्न तीर्थ स्थल के भ्रमण करके बक्सर जिला पहुंचे हैं। बक्सर के प्रमुख मंदिर और ऐतिहासिक स्थलन के दर्शन के बाद यहां से आगे के यात्रा खातिर रवाना हो जाए। कृष्णा जी के मुताबिक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण कीन गा है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य छूट के रहे हैं, जिनका सफर तय कर रहे हैं। खास बात यह है कि यात्रा में कोनो मेर से धन की मदद नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने जमा पूंजी से माँ का तीर्थ दर्शन करवाए रहे हैं। कृष्णा डी के मुताबिक माँ का केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार के कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य प्रदेश, नेपाल, म्यांमार आदि के यात्रा करवा चुके हैं। खास बात यह है कि कृष्णा के द्वारा अविवाहित रह के माँ का पूरा तीर्थ दर्शन करवावे के संकल्प लेंगा है और एक कारण अपने माँ का स्कूटर में यात्रा करवावे के पीछे यह वजह बता रहे हैं कि उनके पिता के साथ रह के एहसास होते है। वह माँ के द्वारा कहा गया कि पति के समय से उनके द्वारा कुछ नहीं देखा गया रहा। घूंघट के चार दीवारी माँ रसोई माँ जीवन बीत गया और बेटा से जब घूमे खातिर इच्छा जाहिर की गए, तो बेटा के द्वारा भारत दर्शन करवावा जाला है। भारत के जितना पुण्य क्षेत्र है उनका दर्शन कई के पवित्र नदी में नहाए कि उनका जीवन सार्थक हो गया। खबर के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। प्रणाम। मैं मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद एक दिन बातों बात करने के समय मेरी मातेश्वरी को पूछा, माँ आप तिरुवण्णामलाई, तिरुकोयिलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ, मैं पूछा मेरी माता। मेरी माता जी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हलेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माता जी का चेहरे, वो निराश भाव आया ना मेरी माता जी का चेहरे ऊपर, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। हाँ नौकरी, क्योंकि नौकरी मतलब मैं मेरी माता जी का सेवा करने तो एक एक दो बोट में या कॉरपोरेट टीम लीडर था। एकदम सादा जीवन, एक सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना कमाया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं।
कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।